आज हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक सरकारी कंपनी थी और अब प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी ऑटो मेकर कंपनी बन चुकी है। इंडिया की लार्जेस्ट कार मेकिंग कंपनी है ये। तो कार सेक्टर में लगभग 46% का मार्केट शेयर रखने वाली मारुति सुजुकी के बारे में आज बात करने वाले हैं। 1981 में इस कंपनी का जन्म हुआ था, मारुति उद्योग लिमिटेड। ये एक ज्वाइंट वेंचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका शेयर इस कंपनी के अंदर में 74% था। बाकी 26% सुजुकी मोटर कंपनी, जो कि एक जापान की कंपनी है और कार मेकिंग फील्ड में नंबर वन उस समय कह सकते हैं, और सुजुकी मोटर कंपनी ने इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया। और मारुति उद्योग लिमिटेड का फॉर्मेशन का मेन मकसद यही था कि कम से कम दामों में उपलब्ध कराई जा सके एक कार इंडियन फैमिलीज के लिए। उस समय हर आदमी का सपना होता था कि वो कम से कम मोटरसाइकिल या स्कूटर बजाज का चला ले, तो बहुत बड़ी बात होती थी। और किसी के घर में अगर कार हो तो वो तो भैया बहुत ही अमीर माना जाता था। मारुति उद्योग लिमिटेड की शुरुआत इस तरह से हुई, और इन्होंने ये जो जॉइंट वेंचर साइन किया था ना, इसके तहत सिर्फ इंपोर्ट करना था इनको 40,000 कार्स को जापान से। 1982 में इसने गुड़गांव के अंदर में अपनी फैक्ट्री खोली और 1983 दिसंबर में इसने अपनी पहली कार लॉन्च कर दी, मारुति 800। मारुति 800 का दाम 52,500 रुपये रखा गया था। और इस सफलता को आप इस तरह से देख सकते हैं कि जिसने पहली कार खरीदी थी ना, उनको की दी गई थी, चाबियां दी गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी के हाथों से। फिर 1984 में ओमनी गाड़ी का निर्माण हुआ, जिसमें इंजन मारुति 800 वाला ही इस्तेमाल किया गया। ये अपने समय की बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। 1985 में जिप्सी और जिप्सी किंग का निर्माण हुआ, जो आज भी आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट, यहां तक मुझे याद है सिक्किम में इसका इस्तेमाल अभी भी किया जाता है। आप अगर गैंगटॉक जाते हैं तो उसके लिए आपको जिप्सी बहुत सारी मिलती है जो वहां तक लेके जाती है आप। 1986 में इस कंपनी ने अपनी 1,00,000 कार प्रोड्यूस कर दी। 1987 में इसने 500 गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया था हंगरी में। Wow! और 1987 में इस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी, मतलब सुजुकी मोटर कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी 26% से 40% तक लेके चले गए, और गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी कुछ छोड़ दी। सुजुकी मोटर कंपनी ने इस हिस्सेदारी को 1992 में 50% तक लेके चले गए, और 2023 में सुजुकी मोटर कंपनी की जो हिस्सेदारी है इस कंपनी के अंदर में वो लगभग 56% पहुंच चुकी है। और धीरे धीरे इसी तरह से 2023 तक गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर में शून्य है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। 2003 में गवर्नमेंट ने इसका आईपीओ लॉन्च किया, जो लगभग 13 गुना सब्सक्राइब हुआ था। बहुत बड़ी एक सक्सेस के रूप में मारुति का आईपीओ लिस्ट हुआ था। 125 रुपए के भाव पर इसका आईपीओ निकाला गया था, और गवर्नमेंट ने अपनी 27.5% की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर में बेची थी उस आईपीओ के द्वारा। 2006 में गवर्नमेंट ने फिर से अपनी हिस्सेदारी बेची, 8% हिस्सेदारी फिर बेची, और उसके बाद में 10.5% की हिस्सेदारी कुल बाकी थी, वो 2013 में कंप्लीटली गवर्नमेंट बेचकर निकल गई। अब वापस चलते हैं 1989 में। 1989 में इंडिया की सबसे पहली सिडान कार लॉन्च हुई थी मारुति के द्वारा, जिसका नाम था मारुति 1000। अब ये सिडान कार क्या है और ये हैचबैक कार क्या है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था मुझे। तो सिडान कार में कुछ नहीं होता है, एक बूट स्पेस होता है जो पीछे से बाहर निकली हुई रहती है, जहां पर आप अपना सामान आसानी से रख सकते हैं। और वहीं अगर हैचबैक कार कही जाए तो हैचबैक कार फ्लैट होती है, जिसमें बूट स्पेस बहुत कम होता है, और ये हाईली एफिशिएंट कार होती है जो कम फ्यूल में ज्यादा चलती है, जो सस्ती होती है, और वहीं सिडान कार कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी होती है। उसके ऊपर अगर जाएं तो एसयूवीज उससे भी अच्छी हो गई, जो कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल कहलाती है, जहां पर अंदर का स्पेस काफी बड़ा दिया जाता है और एसयूवीज की माइलेज सबसे ज्यादा कम होती है। 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ, इसके बाद में ही सुजुकी ने अपना शेयर मार्केट के अंदर में बढ़ाया था, मारुति के अंदर में बढ़ाया था। 1993 में मारुति जेन को लॉन्च किया गया। अब तक मारुति की जो कार की डिमांड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो इनको एक और प्लांट खोलना पड़ गया मानेसर हरियाणा के अंदर में। हरियाणा में ही इनका पहला प्लांट है और मानेसर में इसका दूसरा प्लांट शुरू हुआ। 1994 में इस प्लांट को शुरू किया गया था, और इसकी कैपेसिटी 2,00,000 कार को प्रोड्यूस करने की थी एक साल के अंदर में। और इसी साल में मारुति ने 10,00,000 कार प्रोड्यूस कर दी इंडिया के अंदर में। इसके बाद में मारुति रुका ही नहीं, 1994 में ही इसने मारुति स्टीम लॉन्च की, 1999 में बलिनो लॉन्च की, 2000 में इसने अल्टो लॉन्च की, और अल्टो की बहुत बड़ी सक्सेस मिली। 2004 में ये हाईएस्ट एवर सेलिंग कार हो गई मारुति 800 के बाद में। और 2001 में ट्रू वैल्यू कर एक और नई कंपनी लॉन्च की, जो पुरानी कार्स को खरीदती है कस्टमर से और कस्टमर को ही पुरानी कार बेच देती है, और उसके बड़े सारे चेक्स ये करके उसके बाद में बेचती है। तो इंडिया के अंदर में 558 आउटलेट्स अभी तक इसने खोल दिए हैं। वहीं 2002 में इसने इंश्योरेंस सेक्टर में भी अपना पैर जमा लिया, एक मारुति डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी थी मारुति ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड। और इनकी सक्सेस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये इंश्योरेंस बेचने में इतनी माहिर थी कि 2,000,000 इंश्योरेंस इन्होंने 2005 तक 3 सालों के अंदर में बेच दिया था। 2005 में इन्होंने मारुति स्विफ्ट को लॉन्च किया, जिसने हैचबैक में अपना कमाल धमाल सब दिखा दिया। और 2008 में सिडान वर्जन के अंदर में इसका लॉन्च हुआ स्विफ्ट डिजायर के रूप में। इंडिया के अंदर में एक के बाद एक कार लॉन्च होती गई, और हर कार की एक
नई सक्सेस स्टोरी चलती रही। अपने लो मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण इस कंपनी की कार्स को बहुत ज्यादा वैल्यू मिली और बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया, क्योंकि वो लेते थे और फिर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में आप जैसे ही यूज करना है उसको निकालिए और चलाइए। इनका डीजल वर्जन जो कि माइलेज के मामले में बहुत अच्छा था और डीजल की कॉस्ट थोड़ी कम थी ना, तो लोग डीजल वर्जन ज्यादा प्रीफर करते थे। जो ज्यादा लंबी दूरी के लिए जाते हैं वो डीजल वर्जन ज्यादा प्रीफर करते थे। 2020 में इन्होंने अपने डीजल वर्जन को भी बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? तो इसका मेन रीजन ये था कि गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स आने वाले थे, इंप्लीमेंट होने वाले थे, और उसके तहत क्या करना था, इनको अपने प्लांट को बहुत ज्यादा अपग्रेड करना पड़ता, और वो अपग्रेडेशन में जो कॉस्ट इनकी बैठती थी वो बहुत ज्यादा थी। इससे अच्छा इन्होंने यही प्रीफर किया कि इसे बंद कर दिया जाए, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, और इन्होंने अपने इलेक्ट्रिकल वर्जन पे भी काम करना शुरू कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली इनकी इलेक्ट्रिकल कार भी बहुत जल्दी ही आ जाएगी। 2015 में इन्होंने नेक्सा का लॉन्च किया और नेक्सा बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा इनके लिए। लगभग 15 कार अगर बिकती है तो 5 कार आपकी नेक्सा से बिकती है और 10 कार मारुति सुजुकी एरिना से बिकती है। नेक्सा क्या है? प्रीमियम कस्टमर और हाई एंड कस्टमर को टारगेट करती है, हाई एंड कार्स को बेचती है, और इसके अंदर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है। इनके शोरूम्स बहुत अच्छे से बने होते हैं, बहुत अपग्रेडेड वर्जन में बने होते हैं, और ये बहुत ही कस्टमर सेंट्रिक एक्सपीरियंस देने के लिए नेक्सा जाना जाता है। अब जान लेते हैं इसके शेयर के बारे में। तो 125 में ये लॉन्च हुआ था 2003 में, और आज इसका वैल्यू लगभग 10,000 के पास पहुंच चुका है। 9600-9700 के आसपास में इसकी वैल्यू आज 2023 में काम कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 9,91,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा की वैल्यूएशन आती है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 2,00,000 करोड़ के आसपास है। अब जान लेते हैं कार कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में। तो मारुति सुजुकी का लगभग 47% मार्केट शेयर है। इसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले यही लॉन्च हुई थी, और इसके बाद में इसके सेकंड नंबर पे आती है हुंडई जिसका 17% मार्केट शेयर है। इसके बाद में टाटा जिसका 7% के आसपास मार्केट शेयर है। इसके बाद में है किया जिसका भी 7% के आसपास मार्केट शेयर है। इसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसका 6.5% के आसपास मार्केट शेयर है। इसके बाद में रेनॉल्ट, होंडा और टोयोटा, इनका लगभग 3-3.5% के आसपास मार्केट शेयर है कार सेगमेंट के अंदर में। अब इसकी रेवेन्यू ब्रेकअप की बात की जाए तो लगभग 6% ये एक्सपोर्ट करती है अपनी कारों को, और बाकी 94% इंडिया के अंदर में ही कंज्यूम होती है, इस्तेमाल होती है। क्या किसी भी सक्सेसफुल आदमी का इतिहास इतना ही स्मूथ रह सकता है क्या? इसमें अप्स एंड डाउन्स तो आए ही होंगे। तो इस कंपनी के साथ भी ऐसा हुआ था। 2012 में इसकी कंपनी मानेसर प्लांट के अंदर में आग लगा दी गई थी, वर्कर और सुपरवाइजर के बीच में झड़प हो गई थी और एक एचआर मैनेजर की हत्या कर दी गई थी, और लगभग 31 लोग इसमें दोषी पाए गए थे, और कंपनी ने इमीडिएट में प्लांट को बंद कर दिया और यह कह दिया कि हम अपने प्लांट को अनिश्चित काल तक बंद कर रहे हैं। प्लांट बंद करने के बाद में एक ऐसा कहा जाता है कि एक दिन का जो लॉस इस कंपनी को हो रहा था वो लगभग 75 करोड़ पर डेज का लॉस हो रहा था। लगभग 1.5 महीने बाद में 21 अगस्त 2012 को फिर से प्लांट को खोल दिया गया। मारुति सुजुकी के 2 प्लांट हरियाणा के अंदर में है और 1 प्लांट आपका गुजरात में है, लेकिन गुजरात वाला जो प्लांट है ना वो इसकी पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कंपनी का है, और वो क्या करती है, वो सारे के सारे जो प्रोड्यूस होते हैं अपने कार जो प्रोड्यूस करती है उस प्लांट के अंदर में वो इनको दे देती है, वो इनको सप्लाई कर देती है बहुत ही कम दामों में, बहुत ही उचित मूल्य में। और इन तीनों प्लांट को जो मिलाकर कैपेसिटी है वो है 22.5 लाख, मतलब 22.5 लाख कार ये एक साल में प्रोड्यूस कर सकती है। और अभी इससे भी बड़ा प्लांट एक और खोलने वाले हैं, ये 900 एकड़ का ये प्लांट रहेगा और ये होगा हरियाणा के अंदर में। अगस्त 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। इस कंपनी ने अभी तक की जर्नी में लगभग 2.5 करोड़ कारें बेच दी है, 2.5 करोड़। अब जान लेते हैं मारुति सुजुकी स्टॉक के बारे में। तो इस स्टॉक की वैल्यू लगभग अभी 9600 के आसपास चल रही है। ये हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, 80-90 रुपए डिविडेंड ये हर साल लगभग देती है। 125 में लॉन्च हुआ तो लगभग जो जिसने उस समय खरीदा होगा ना तो समझ लीजिए उसको अपना कॉस्ट प्राइस इनको हर साल ये दे देती है। इस स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 36 के पास में चल रही है, और जहां तक नेट सेल्स मार्जिन की बात की जाए तो लगभग 8-9% का इसका नेट सेल मार्जिन इन्होंने मेंटेन किया। मतलब सिंपल सी है, 100 रुपए का कारोबार करता है तो 8-9 रुपए ये कंपनी बचाती है। और अगर इसकी सेल्स की फिगर देखी जाए ना तो सेल्स का कर्व इस तरह से है, मतलब हर साल इसने ग्रोथ ही देखी है। और कोरोना टाइम में हालांकि थोड़ी सी इसमें डिप आई थी, और कोरोना काल में डिप का मेन रीजन वही था कि कोई बाहर निकलना ही नहीं था, किसी को बाहर निकलना ही नहीं था, तो भैया सेल किसको करेंगे। और ये लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है, इसकी बोरोइंग लगभग नील है, 1200 करोड़ की मात्र इसकी बोरोइंग है। और इसकी कैश को देखें ना, कैश की लिक्विडिटी तो 3700 करोड़ का कैश लिक्विडिटी इन्होंने मेंटेन की हुई है, मतलब बिल्कुल कैश रिच कंपनी है ये। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आपके LIC ही बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूटर है। जनरली क्या करती थी गवर्नमेंट, जब हिस्सा बेचना होता था ना तो LIC को ही दे देती थी। ऐसा बहुत सारी कंपनियों के केस में होता है, जब कोई खरीदने वाला नहीं रहता है तो LIC को ही वो हिस्सा बेच दिया जाता है। तो उस समय भी 2008 और 2013 में भी LIC को ही बड़ा बड़ा चंक बेचा गया था। जहां तक शेयर प्राइस की बात की जाए तो अगर आप लॉन्ग टाइम में देखेंगे ना तो 125 से आप समझ लो 10,000 की जर्नी इसकी हो गई है। लेकिन 2017 में भी ये 10,000 के पास गया था, उसके बाद में कोरोना काल के कारण इसने 4,000 का लगभग लो लगाया और उसके बाद में फिर से अभी 9700-9800 के आसपास आकर खड़ा हो गया है। आपको क्या लगता है कि इंडिया की सबसे बड़ी कार मेकिंग कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए, और ये डिटेल कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट जरूर करें।